कीजिए फूड ओपिनियन चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। फूड ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपसे एक क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तुरंत आलू की चिप्स बनाने के लिए मैंने लिया है 4 आलू। और ये देखिए आप, इससे आलू चिप्स कटर से हम इस तरीके से आलू के चिप्स पतले पतले निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी आलू की चिप्स निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकली हैं चिप्स। इसी तरीके से हमने सभी निकाल लिया है। अब ये जो फिट करी है, थोड़ा पानी डालेंगे कटोरे में और इसमें हम फिट करी को घुमाएंगे। इस तरीके से हमें घुमाना है। अब इसको चिप्स को हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने से चिप्स में नमक अच्छी तरीके से चला जाता है। थोड़ी देर रखेंगे हम इसको 5 मिनट के लिए पानी डालकर। ये देखिए फिटकरी डालने से अलग अलग हो जाती हैं चिप्स और अच्छी सफ़ेद हो जाती हैं। इसे हमें 5 मिनट के लिए रखना है। यह तुरंत भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट रखने से ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी बनती हैं चिप्स। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी से। इसका पानी निथर जाएगा तो हम एक कॉटन का एक कपड़ा लेंगे और इसे हम टेबल के ऊपर बिछा देंगे। और एक एक करके हम सारे चिप्स को इस तरीके से हम डाल देंगे ताकि इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से हम सारी चिप्स को बिछा देंगे ऐसे। और ये देखिए, इस गमछे को इस तरीके से हमें फोल्ड करके ऐसे इस तरीके से पॉम से हथेली से हल्का हल्का ये करना है तो पानी पूरा सूख जाएगा। इस तरीके से करना है हमें। ये देखिए काफी पानी सूख चुका है। इसे हम आप पलटा देंगे थोड़ा। मैंने अभी बताया था वैसे आप इसे पानी से निकाल कर तुरंत भी तल सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से नहीं किया है क्योंकि पानी अगर इसका ठीक तरीके से सूख जाए तो ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी बनती हैं। ये देखिए, इसे हमने फैन चालू करके रखा है। इस तरीके से दिखेंगी आपको। अब इसे हम तल लेंगे। ये तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा तेज नहीं रखना है गैस के फ्लेम को, नहीं तो जल सकती हैं। इसे हमें थोड़ा मीडियम इसमें रखना है। इसी तरीके से हम सभी चिप्स को तल लेंगे। ये देखिए अगर चिप्स जैसे नहीं रहती हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मा चिप्स खाना है, तो आप इस तरीके से आप जल्दी से आप चिप्स बना सकते हैं 2-3 आलू छिलकर। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती हैं चिप्स। आप देखिए ये है ना, कितनी अच्छी दिख रही हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी तल चुकी हैं। हमें इसी तरह से निकालना है सभी चिप्स को। मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स निकालूंगी जो इसके ऊपर डालने के लिए, अभी आप देख सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उभर कर। ये देखिए
बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं, ये मिर्ची पाउडर है, इसे हमें स्प्रिंकल कर देना है इस तरीके से। इससे बच्चे बहुत ही अच्छे चाव से खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही चटपटा स्पाइसी हो जाता है। थोड़ा नमक डाल देंगे ये, अब थोड़ा चाट मसाला डालने से तो बहुत ही अच्छा एक ट्विस्ट आ जाता है चिप्स का। ये देखिए हमने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया है। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, देखिए ऐसे इस तरीके से करके। अब इसे प्लेट में निकाल कर इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।